This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an education purpose only. Bangla YouTube er prothom bar amader West Bengal theke shorashori export hocche bairer rajye. Amra sadharonoto Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh ebong nana rajyo theke chhagol export kori. Poshab jonno hok, khawar jonno hok. Meat purpose amra beshi राजस्थान থেকে ছাগল নিয়ে আসি কিন্তু এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের ব্ল্যাক বেঙ্গল সরাসরি এক্সপোর্ট হচ্ছে বাইরের রাজ্যে কোন রাজ্যে সেটাই জানবো আপনার স্টেট কোন আন্ধ্রপ্রদেশ আন্ধ্রপ্রদেশ কতদিন আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল मुझे तो भाई ने फ़ोन किया था एक महीना पहले मेरा एक वीडियो देखा तो भाई ने फ़ोन किया कि भाई आपके वहाँ जो गोट जो पेसल है वो कौन सा है, मैं अपना स्टेट में लेना चाहता हूँ और खमर करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले बोला कि भाई आपका खमर जो करना चाहते हो तो मैंने जैसे घर बनाया ऐसा घर बनाऊँ और थोड़ा घास लगाऊँ, क्योंकि हमारे जो देसी गोट आता है ये घास फूस ज़्यादा खाते हैं, अरे गेजिंग जो एरिया है वो भी हमको चाहिए। तो मैंने भाई ने अच्छा मेरे को दिखाया वीडियो में कि कितना अच्छा क्वालिटी का एक फार्म बनाया है वो 3 एकड़ का जमीन के अंदर, 3 एकड़ तो बहुत बढ़िया फार्म है, करीबन 300 पीस का बीट आप रख सकते हो, आपने 300 बीट का कमाते। तो मैंने भाई जब फ़ोन किया मैंने बोला कि देखो हमारी यहाँ सबसे जो अच्छी गोड माना जाता है, सबसे अच्छी जो ब्लैक बंगाल का क्रॉस ब्रीड होता है, वही बताया कि ब्लैक बंगाल जो क्रॉस होता है ब्लैक बंगाल यही ब्रीड लेके अगर आप शुरू करोगे तो आपका फायदा में रहोगे, आपको फायदा होगा। भैया कमर्शियल क्यों बचा है ब्लैक बंगाल, मैंने आपने कमर्शियल क्यों चूज की जो देसी का ब्रीड है आपका, इसमें खासियत क्या लगा यही पूछना चाहता है अनुप भैया। मतलब कि जैसे कि जैसे ब्लैक बंगाल है जो गोट होता है उसका जो मीट है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, वो इधर ही नहीं हर स्टेट में कहीं भी जाओ तो ब्लैक बंगाल ऑल वर्ल्ड में इसका मीट फेमस है। और क्या है इसकी जो बच्चा देने की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा ईयर में 2 बार देती है और मिनिमम 2 बच्चे देती है, तो मेन इसी क्या है हमको तो चूज और भी देता है 4-5 वो मैक्सिमम है लेकिन मिनिमम 2 देता है, हर बकरी नहीं देता ऐसे। तो ब्लैक बंगाल में सबसे ज़्यादा उसका मीट, उसका जो स्किन का क्वालिटी और बच्चे देने उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा है, तो मेन इसलिए हम लोग को ये चूज़ करना पड़ा कमर्शियल के लिए। आपको उस स्टेट को कोई बीट है आंध्र प्रदेश में कोई ऐसा ब्लैक बंगाल है, राजस्थान में शिरोही मिलता है, आपको स्टेट में कोई ब्रीड है? कोई रखा नहीं है अभी तक हमारे क्षेत्र में, इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम बाबू भैया से बात करके जैसे ये उधर तो मीट पर्पस हमारे क्या ब्रीडिंग दोनों। देखिए मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जिस तरीके से हमारी स्टेट में हम खमारी बना रहे उस वीडियो में आपने बताया कि देखो जो खमार पहले नया है वो बनना ज़रूरी है कि खासी जो है जो मीट पर जो फार्म है उसको बनना ज़रूरी है क्योंकि उसमें खूब जल्दी मुनाफा निकलता है। तो यही पहले मैंने भाई बताया कि मुझे 50 पीस आपको फीमेल में चाहिए, तो मैंने भाई को ये आइडिया दिया कि देखो भाई आप 50 पीस फीमेल मत लीजिए, अगर आप 50 पीस फीमेल लेते हैं तो आपको ये होगा कि आपको 1 से 2 साल लग जाएगा इसमें पैसा आने में। अगर आप 20 पीस खासी ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा 6 महीने 7 महीने के बाद आप करीबन 10,000-15,000 से बेच सकते हैं। तो आपका जितना आपने अभी इन्वेस्ट की हो मेरे से तो ये पैसा आपको निकल आएगा 6 महीने 7 महीने के अंदर कि 1 साल के अंदर। तो आपने जो फीमेल गोड लिया है जो नस्ल लिया है वो आपका फिर में पड़ जाएगा, तो आपका फार्म में फार्मिंग की प्रवृत्ति लगन बढ़ेगा। बाबू भाई एक तो हमारे दर्शक एक तो जानते चाहब बांगल्ला जानते चाहब हमारे अधिकांश दर्शक ही बांगल् रही है बांगल्ला कथा बोले और बांगला তারা শুনতে ভালোবাসে। এবার একটা কথা যে এই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আপনি যে ব্ল্যাক বেঙ্গল এক্সপোর্ট করছেন, এক্সপোর্টই বলা হয় যে এক্সপোর্ট করছেন,
এটা আপনার কাছে বা ছাগল খামার হিসাবে আপনার কাছে কতটা পাওনা? মানে আপনি শুনেছেন যে রাজস্থান ছেড়ে ছাগল নিয়ে? না একদম একদম, আমি যতদূর জানি যে রাজস্থান থেকে এবং বাইরের থেকে আমাদের এখানে ছাগল আসে, কিন্তু আমি প্রথম যে আমি এখান থেকে বাইরে এক্সপোর্ট করছি আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল, আমি গর্বিত এবং নিজেকে। আমরা অনেকবার শুনেছি যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের মাংস বড় বড় ইভেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টগুলোতে খাওয়ানো হয়, যেমন ফিফা বিশ্বকাপে প্রত্যেকটা মেনুতে ছিল খাসির মাংস। এছাড়াও বেশ কিছু ইভেন্টে, বড় বড় ইভেন্টগুলোতে এই ব্ল্যাক বেঙ্গলের মাংস খাওয়ানো হয়, কারণ ব্ল্যাক বেঙ্গলের মাংস খুব সুস্বাদু, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অন্য কোনো ছাগলের সঙ্গে কম্পেয়ার করা যায় না। একদম ঠিক বলেছেন অমিতা, এই যে মানে এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল যে ব্রিড আমাদের এখানে পশ্চিমবাংলায়, এটা হলো সারা ওয়ার্ল্ডের সবথেকে ভালো ব্রিড মানা যায়, এটাই কারণ ব্ল্যাক বেঙ্গল যে ইমিউনিটি পাওয়ার খুব সুন্দর, এই যে ইমিউনিটি পাওয়ার খুব সুন্দর। এবং এই ব্রিডটা যেমন রাজস্থান থেকে কোনো ব্রিড যদি আমাদের এখানে আসে, পাঞ্জাব থেকে কোনো ব্রিড যদি আমাদের এখানে আসে, সেটা কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল শ্যুট করে না। তো এই শ্যুট করার না কারণে আমাদের এখান থেকে কিন্তু যতগুলো খামার আছে তারা কিন্তু আজকে শেষের দিকে অনেক খামারই আছে যে আজকে বন্ধ হয়ে গেছে। তো সেই জন্য ভাইকে আমি বলেছি যে উনি কিন্তু আমাকে বলেছিল যে যমুনাপুরী কিছু বিট ভাই আমার লাগবে এবং তোতাপুরী কিছু বিট লাগবে। এর আগে একটা লাইভে আমি দেখেছি আমাকে কিন্তু যমুনাপুরী কিছু বিট ছিল, সেটাও আপনাকে দেখিয়েছি। তো মানে ভাইকে ইয়ে বলা যে ভাই দেখো আপ আগের ব্ল্যাক বেঙ্গল লেকে শুরু করেঙ্গে, ব্ল্যাক বেঙ্গল পুরা যে বিট হ্যাঁ এই লেকে শুরু করেঙ্গে তো আপকা মুনাফা জ্যাদা রয়েছে, বুঝলে ভাই? মেরি বাত পে ইকিন কিয়া ওর ভিজাগাঁও পটনাম সে মেরা ঘর আয়া কাল হি আয়া মেরে ঘর পে রুকা থা মানে উনকো জিতনা হো মানে উনকা দেখভাল কিয়া ফির সুবে গাড়ি দেখ রা এই গাড়ি পে যায়গা আবি আবি নিকলেগা ইয়া আছে ভিজাগাঁও পটনাম। তো সরতাজ গোট ফার্ম জো হ্যাঁ বহুত পাওয়ারফুল হ্যাঁ ইহা সে বাহার মাল ভেজ রা, মানে পহলে ভি ভেজা ও লেকিন উসকা ভিডিও নিয়ে ডালা। তো বহুত সারা বিহার মে আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল কমার্শিয়াল খামার আছে যে মার্কেট কা চাহিদা মার্কেট মে সবসে যো ফেমাস ব্রিড হে ও দেশি কা ক্রস ব্রিড হে, দেশি যো হামারি হোতা হে দেশি কা সবসে মার্কেট মে সবসে জাদা সুস্বাদু, ইসকা যো মিট হে উসকে খানে মে বহুত সুস্বাদু হে, ইসলিয়ে বাহার কি স্টেট মে এই ব্রিড কা সবসে আচ্ছা মানা জাতা হে, ইসকা যো মিট হোতা হে না जो नेचुरल होता है उसके बारे में थोड़ा बोलते तो जानकारी देते तो अच्छा होता। देखो जैसे हमारे स्टेट में क्या होता है देसी मिलता है एक टाइप का, जैसे अभी ब्लैक बेंगल करके एक ब्रीड है, सिरोही करके एक ब्रीड है, वैसा उधर एक पर्टिकुलर ब्रीड करके नहीं है, हमारी भाषा में उसे क्या बोलते हैं नाटू करके बोलते हैं, मतलब नॉर्मल देसी टाइप की बकरी है। तो उसको क्या होता है मैक्सिमम फॉर्म में नहीं रखते, ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं, बाहर जाके जो खाया आया वो किया, तो उसमें क्या ऑर्गेनिक भी हो जाता है नॉन ऑर्गेनिक भी होता है। अभी मैं लेकिन क्या ब्लैक बेंगाल का क्या है सिर्फ ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक पत्ता सुपर नाइपर हेज लूजर फिर ड्राई में आ जाता है कि चावल का भुट्टा दाल का भुट्टा, तो ये सब नेचुरल है, इसमें मतलब कोई भी आपको नॉन ऑर्गेनिक फूड नहीं है। तो ऑर्गेनिक आइटम खाएगा तो बकरी भी ऑर्गेनिक रहेगा और वो ऑर्गेनिक फूड हम खाएंगे हम भी ऑर्गेनिक रहेंगे, ये मेरा कहने का मतलब। आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा कि आपकी वो हाँ जो होता है ऑर्गेनिक लेके सोचता है, लेकिन हमारी यह ऑर्गेनिक लेके कोई नहीं सोचता, ये लोग क्या है सब में भजन करता है इधर उधर करता है करके, इन्हें इनको मुनाफा ज़्यादा चाहिए होता है, इनको मुनाफा ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक पे नहीं रहता, दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, ऑर्गेनिक में नहीं रहता। हमको इधर ये जो ब्लैक बेंगल का मीट 800 रुपया है, ये 800 रुपये में कोई नहीं जाता, वो जो बाहर का जो बीट होता है जैसे राजस्थान का जो बीट है वो 600 में मिलता है 700 में मिलता है वही बीट चलता है, लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक है हमारी जो पत्ता खाता है घास खाता है तो इसका जो हाँ तो यही बीट अगर 800 में हमारी यहाँ खिलाएंगे तो ये लोग अगर 800 में नहीं खाएंगे। बाजू में एक बेच रहा है राजस्थान का जो बीट है वो जो आपका तोतापरी है सिरोही है ये जो बीट है ये खाएगा 600 में, लेकिन ये अच्छा बीट है ये ऑर्गेनिक है ये नहीं खाएगा 800 में, यही कहना चाहता हूँ। मैं और एक बंदा से आपको परिचित करना चाहता हूँ, ये जो दोनों हैं ये दिनेश भैया है और ये कृष्णा भैया है, ये दोनों पार्टनर है, दोनों मिल के
वो जो फार्म बनाया है बहुत मेहनत से बनाया, तो आप दोनों ने क्या सोच के आपको मैंने टारगेट क्या है ये थोड़ा मेरी दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आप क्या कर रहे हैं बीज लेके जो यहाँ से लेके जाते हैं लास्ट तक, आपका टारगेट क्या है, तो टारगेट जानना चाहते हैं। जैसे तो भैया ये हम दोनों जब रखे थे हमने सोचा था, हमने कभी सोचा नहीं कि ब्लैक बंगाल रखना, हम सोचे थे गोट फार्मिंग खोलना है, डीकेआर गोट फार्मिंग हमारा फार्म है। तो उसके बाद हम जब सर्च किए, मतलब कि थोड़ा जानकारी इसके बारे में प्राप्त किया, तो हमको पता चला कि ब्लैक बंगाल सबसे अच्छा है ऑर्गेनिक के रूप से देखा जाए, ऑर्गेनिक रूप से अच्छा है, सबसे अच्छा है मीट के हिसाब से, अच्छा है उसका क्वालिटी, अच्छा है बच्चा देने का क्षमता ज़्यादा है, दो मैक्सिमम चार भी दे सकता है। तो उस समय हमने आपको कॉल किया था। तो अभी हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि इस ब्लैक बंगाल को, जैसे ये कलकत्ता में फेमस है, तो हम भी क्या है इस मीट को हम अपने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पूरे में फेमस करें। आपसे अच्छा टारगेट टारगेट अच्छा लगा एकदम, मतलब नेचुरल। और एक बात एक है जो आपका जो रेट बताया वही रेट पे दे रहे हैं, आपका जो क्वालिटी है मैंने बताया आपको, क्वालिटी जो आपको बताया आपका वो जो क्वालिटी पसंद आया। हाँ क्वालिटी हमने जैसे हमने सोचा था, हमारे दिमाग में जो सोच थी भैया को हमने वही बताया था कि हमको ब्रीडर चाहिए, इतने फीमेल चाहिए इतने मेल चाहिए, यही क्वालिटी के होने चाहिए। तो जब हम फिजिकली आके इधर देखे हमको भी वही लगा सही। कितना रेट? और एक बात है, आप भैया ने हमको वीडियो दिखाया, जो वीडियो पहले दिखाया सेम माल दिखाया, कोई दूसरे बंदर होने से दूसरा वीडियो हमारे वीडियो दिखा के इधर आने के बाद इतना दूर आने के बाद दूसरा माल देखने से दे सकते हैं हम। हाँ, लेकिन हमने जो वीडियो में देखा इनको दो दिन तीन पहले हमको दिखा, वही वीडियो में जो माल था वो जेन्युइन पता है, वही माल अभी इधर है। देखिए भाई एक बात है, हमें मुझे ये लगता है, मैं यही सोचता हूँ कि कस्टमर के साथ खराब बिहेव करेंगे, उसके साथ कोई उल्टा सीधा करेंगे तो वही अचार घूम फिर के मेरी घर भी आएगा। तो इसलिए मैं जो जवान देता हूँ, जो मैंने आपसे बोला वही बात में अटल रहा, वही बात पे कि मैंने यही बीट दिखाया भाई लोगों को, यही बीट मुझे देना है। अगर इसमें थोड़ा धगल मैंने करता मुनाफा मुझे थोड़ा ज़्यादा होता, लेकिन वो मुनाफा टिकता नहीं है ज़्यादा दिन। तो इसलिए ईमानदारी की बात एक अलग होती है, ईमानदारी से अगर आप कुछ भी करें, कुछ भी धंधा करें तो वो धंधा आपका रंग लगेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आपका जो बीट मैंने रखा के 5 बीडर रखा हूँ आपके लिए, और जो फीमेल रखा हूँ 20 पीस रखा हूँ मैं, और जो फीमेल मेल है वो भी मैं 20 पीस रखा हूँ। तो अपने जो माल अभी अभी यहाँ से निकलेगा, फिर वहाँ जाके मैंने जो ट्रीटमेंट आपको बताया जो ट्रीटमेंट जो बताई, यहाँ से 1000 किलोमीटर जाएगा, तो इसको जाने में थोड़ा एनर्जी पावर घटेगा, तो एनर्जी के लिए जो मैंने आपका फूड बोला है, वो जो सिलैन पानी बोला है, फिर जो मेडिसिन आपको सजेस्ट की है उस मेडिसिन पे आप अटल रहोगे तो आपका बीज दो दिन में एक हफ्ता में ऐसा, जैसे हम मेरी फार्म में आप देख रहे हो अपनी फार्म में ऐसा गुड़ खिला है।